राधे राधे, कैसी राधे कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत। भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं, जिसे 56 भोग कहा जाता है। बाल गोपाल को लगाए जाने वाले इस भोग की बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाने वाले 56 भोग के संबंध में कई रोचक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार माता यशोदा बाल कृष्ण को एक दिन में अष्टपहर भोजन कराती थी, अर्थात बाल कृष्ण 8 बार भोजन करते थे। एक बार जब इंद्र के प्रकोप से सारे ब्रज को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, तब लगातार 7 दिन तक भगवान ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। 8वें दिन जब भगवान ने देखा कि अब इंद्र की वर्षा बंद हो गई है, तब सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत से बाहर निकल जाने को कहा। तब दिन में 8 पहर भोजन करने वाले बाल कृष्ण को लगातार 7 दिन तक भूखा रहना उनके ब्रजवासियों और मैया यशोदा के लिए बड़ा कष्टप्रद हुआ। तब भगवान के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा भक्ति दिखाते हुए सभी ब्रजवासियों सहित यशोदा माता ने 7 दिन और 8 पहर के हिसाब से 7×8 56 व्यंजनों का भोग बाल गोपाल को लगाया। एक अन्य मान्यता के अनुसार 56 सखियां हैं 56 भोग। ऐसा कहा जाता है कि गोलोक में भगवान श्री कृष्ण राधिका जी के साथ एक दिव्य कमल पर विराजते हैं। उस दिव्य कमल की 3 परतें होती हैं। इसके तहत प्रथम परत में 8, दूसरी में 16 और तीसरी में 32 पंखुड़ी होती हैं। इस प्रत्येक पंखुड़ी पर एक प्रमुख सखी और मध्य में भगवान विराजते हैं। इस तरह कुल पंखुड़ियों की संख्या 56 होती है। यहाँ 56 संख्या का यही अर्थ है। अतः 56 भोग से भगवान श्री कृष्ण अपनी सखियों संग तृप्त होते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए गोपिकाओं ने भेंट किए थे 56 भोग। एक अन्य श्रीमद्भागवत कथा के अनुसार जब कृष्ण की गोपिकाओं ने उनका पति रूप में पाने के लिए 1 माह तक यमुना में भोर में ही न केवल स्नान किया अपितु कात्यायनी माँ की पूजा अर्चना की, ताकि उनकी यह मनोकामना पूर्ण हो, तब श्री कृष्ण ने उनकी मनोकामना पूर्ति की सहमति दे दी। तब व्रत समाप्ति और मनोकामना पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ही उद्यापन स्वरूप गोपिकाओं ने 56 भोग का आयोजन करके भगवान श्री कृष्ण को भेंट किया। 56 भोग इस प्रकार हैं: भक्त भात, सूप दाल, प्रलेह चटनी, सदिका कड़ी, दधि शाकजा, दही शाक की कड़ी, सिखरिणी सिखरन, अवलेह शरबत, बालका बाटी, इक्षु खेरणी मुरब्बा, त्रिकोण शर्करा युक्त, पटक बड़ा, मधु शीशक मठरी, फेणिका फेनी, परिष्टाश्च पूड़ी, सत्पत्र खजला, सदी द्रक घेवर, चक्राम मालपुआ, चिल्डिका चोला, सुधा कुंडलिका जलेबी, धृतपुर मेसू, वायुपुर रसगुल्ला, चंद्रकला पगी हुई, दधि महारायता, सुथूली थूली, कपूर नाड़ी, लौंग पूरी, खंड मंडल खुरमा, गौधूम दलिया, परिखा सुफलाड्या सौफयुक्त, दधि रूप विलसारू, मोदक लड्डू, शाक साग, सौधान अधानो अचार, मंडका मोट, पायस खीर, दधि दही, गौघृत हेयंग पीनम मक्खन, मंडूरी मलाई, कूपिका रबड़ी, परपट पापड़, शक्तिका शीरा, लसिका लस्सी, सुबत संघाय मोहन, सुफला सुपारी, सीता इलायची, फल तांबूल, मोहन भोग लवण, कषाय मधुर, तिक्त कटु अम्ल। ये सभी 56 भोग बाल गोपाल को अति प्रिय हैं। ठाकुर जी को अर्पित भोग में दूध दही घी की प्रधानता होती है। ठाकुर जी को कभी भी
बासी भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। ब्रज के मंदिरों में दूध दही और घी के संयोग से यहाँ विभिन्न प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में आज भी अनेक प्रकार की पूड़ियाँ प्रतिदिन भोग में लगाई जाती हैं। कान्हा जी को भोग लगाते वक्त भोग में तुलसी पत्र अवश्य लगाना चाहिए। हमें छप्पन भोग के विषय में जितनी जानकारी थी हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपके लिए जानकारी उपयोगी होगी और आपको इस वीडियो को लेकर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर लिखें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल केएसटी राधे कृष्णा श्रृंगार को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।